गाइस मेरा नाम है राहुल। तो आज के व्लॉग में मैं स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ है भैया। भैया ने अपना एक इन्वेंशन करा है, तो भैया दिखाना चाहता है इसके हाथ में। तो हम बैक फ्लिप या ट्रायल ले रहा है उसके। तो ट्रायल लेने के बाद ये अभी ये इन्वेंशन दिखा रहा है। तो एक मिनट में हम बैक फ्लिप से अगला इन्वेंशन दिखाएंगे। तो बैक फ्लिप ऑन करते। ये इस कदर भैया ने इन्वेंशन कराए, ये जो है ये अपनी रिफिल है जो पेन की होती है सिंपली। ये देखो ये कम से कम यहाँ तक भरी हुई है, यानी अनयूज है थोड़ी। और ये देखो ये जो है मैच बॉक्स है, और इसके साइड बी साइड इसने ये जो है रिबन लगाया है, और ये रिबन लगाया है इसने, और ये साइड बाई साइड कवर कर रखा है। ये देखो इस साइड है, इस साइड है, जो ये माचिस की तिल्लियाँ है इसने चारों साइड माचिस की तिल्लियाँ रिबन से कवर कर रखी है। ये देखो 1 2 3 4 ये ऐसे क्वाड शेप में है, और ये इसने रिबन कवर कर रखा है। और इसके सहारे से ये अभी ये जो एरो है इसके मदद से ये फास्टली रिपीट ग्रोथ ये तीर जो है आगे चला जाता है इस रिबन की मदद से। और ये भैया अभी सेटअप कर रहा है, और एक अभी आपको एक ट्रायल देखने को मिलेगा जस्ट स्टार्ट में ही। तो भैया लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भैया स्टार्ट कर रहा है 1 2 3, और ये छोड़ दिए भैया ने। और ये देखो देसी जुगाड़, और यहाँ से वहाँ तक ये देखो यहाँ रिबिन चली गई है। तो हम ढूंढने लगते हैं, अरे भैया कहाँ गई। तो भैया रिबिन लग ढूंढने लगा, नहीं एरो डिस्कवर कर लिया है इस रिबिन की मदद से। भैया जो है एरो को मूव आगे पीछे करता है, फिर ये फास्टली रैपिडली ग्रोथ से ये आगे चला जाता है। ये देखो ये बांध की हम जैसे पहले पुरानों में दिन आगे पीछे चला जाता है उस तरह का इन्वेंशन है। तो भैया चला जा रहा है, तो बाय बाय कर भैया, बार बाय कर रहे बाय। तो भैया चला जा रहा है, तो इसकी अब इसकी वीडियो निकालेंगे। तो क्या लगा यार भाई तूने मुंह में इधर आ जा। तो भैया प्रैक्टिस कर रहा है इस बॉटल पे जो हीट करने के बाद इसके अंदर चला जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस चालू है, ये देखो हीट कर रहा है, और अभी हीटिंग चालू है, और एरो छूट गया है और कुछ नहीं हुआ बॉटल को। तो बॉटल सेफली वर्क कर रही है, और एरो बहुत अच्छे से कट करा हुआ है भैया ने रिबिन उसके अंदर फंसने के लिए। और भैया का ये इन्वेंशन बहुत ही कूल है, और ये उसके जो भैया को बहुत आनंद आ रहा है उसकी रिबिन से। वो जो है सामने पुट्ठा उसके अंदर छेद करना चाहता था, लेकिन रिफिल वर्क नहीं कर पाई, एरो बहुत छोटा है शायद। तो भैया को बहुत आनंद आता है इससे, लेकिन कमाल का इन्वेंशन किया है भैया ने अपने ही फील्ड में। अरे भाई मैच बॉक्स से इन्वेंशन किया है भाई ने। तो ये देखो अभी टारगेट 2x zoom 4x zoom हीट अप, ये एरो चला गया है उस। तो यही वो रेडबुल है भैया का, जिसको 2.5 लाख व्यू आए थे मेरे फर्स्ट चैनल पे, और बहुत अच्छा दिख रहा है रेडबुल। ये देखो 2x 3x 4x 1x, और ये देखो बहुत मासूम है रेडबुल, बहुत बहुत ही अच्छा प्यारा दिख रहा है। गाय का बछड़ा ये, और हमारे यहाँ गाय का बछड़ा बहुत अच्छा और शांतिपूर्वक। अरे भाई इसको जो है खिल मुहासे और ऑर्चिड हो गए, यानी गोचिड हो गए इसके ऑर्चिड, बहुत सारे ऑर्चिड हैं इस साइड। ये देखो बी साइड, कोई नहीं इसको हम ऑर्चिड वाला ऑयल लगाएंगे, फिर इसके जो है वो गल जाएंगे, अच्छा दिख रहा है। और ये देखो यही था वो जिसने मुझे 2.5 लाख व्यू दिए है, और बहुत अच्छा था ये, जब ये छोटा था तब डाला था इसका वीडियो मैंने, गाय का बछड़ा भाई। ओके तो बाय। या को जो है ट्रबल आ रहा है इसमें, जो है उसके जो मैच बॉक्स के जो रबर पैचेस है वो टूट गए हैं। तो भैया अगले दिन नए रबर पैच ले आएगा, फिर उसके साथ इसने अलग ही डिस्कवरी की है, इसके साथ बहुत संगीत सुरीली आवाज़ आती है। भैया बजाओ एक बार,
टिंग 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 वाली आवाज़ आ रही थी सबसे पहले, ये क्या कर दिया उसने, एक इस मैच बॉक्स का जो पॉड है वो अंदर पाउच में डाल दिया, ये देखो इसकी वजह से आवाज़ आ रही थी, ये ड्रम था, ये डालने के बाद आवाज़ आ, अब लगता है आवाज़ आ जाएगी, ये देखो, ये देखो संगीत वाली वाइब आ रही है, साउंड आ रही है। और ये अलग ही इन्वेंशन है भैया का जो वो दिखाना चाहता था। और ये जो है तीर कमान होने के बाद अब ये नया इन्वेंशन है, ये भैया जो है वो अलग ही तरह के इन्वेंशन करता रहता है हर दिन, नया नया इन्वेंशन। एक बार इसने बॉटल का भी इन्वेंशन किया था, वाटर का, वाटर जनरेशन का, वो मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन ये तीर कमान वाला दिखा रहा हूँ आपको, ये हर रोज़ बनाता है, मेहनती लड़का है ये, देखो बहुत मेहनत करता है और बहुत काम में मग्न होता है। और इसी तरह ये इन्वेंशन करता रहे, अपना फ्यूचर बनाता रहे और फ्यूचर में ब्राइट होता रहे। तो ये भैया के बस्ते हैं और ये अभी स्कूल जाना है उनको, कम से कम एक डेढ़ घंटे हावर में, यानी आधे आधे तो एक दो तास। तो भैया का नया इन्वेंशन कल दिखने वाला है, कल वो एक डब्बी लेके वहाँ पे बीचों बीच तार लगाने वाला है और उससे रीजनरेशन साउंड निकालने वाला है। और भैया वो अपना प्रोग्राम कल दिखाएगा हमें, दिखेगा भैया का प्रोग्राम। और इसी के साथ भैया का व्लॉग खत्म, इधर से ऐसे काटने का और इधर लकड़ी लगाने का, इधर से ऐसे काटने का, बीचों बीच काटने का और साइड में लकड़ी लगाने का। हाँ बताओ 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 अपना प्रोजेक्ट बताओ। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे होल, हाँ यहाँ पे सर्कुलर होल करने का, इधर से लकड़ी, हाँ इधर से लकड़ी डालने की, हाँ तार डालने का, इधर से लकड़ी बांधने की, हाँ हाँ, और इधर बाहर निकल की, हाँ हाँ, इधर लकड़ी होगी, हाँ हाँ, इधर तार होगा, उधर बांधने की, हाँ हाँ, यहाँ पे वाउंड करने की। ये जो बॉटल है इससे साइड यहाँ पे होल, यहाँ पे होल होगा और इस साइड होल ही है और यहाँ पे साइड बे साइड लकड़ी बनेगी और यहाँ से जो तार आएगा वहाँ से। तो ये संगीत इंस्ट्रूमेंट वाला कार्यक्रम कल होगा, जान दो उनकी स्कूल बस आ गई है तो यहाँ पे वो बस्ते लेके भाग रहे हैं। ये देखो बस्तार भैया, बाय बाय भैया बाय। ये देखो उनका जो टिफिन लेके भाग रहे हो, अरे भाई तू भी आ गया। तो अभी अभी आए खेत में, ये देखो सोयाबीन की खेत, समर सीजन में हर दिन वेंटिलेशन करना पड़ता है यहाँ पे सोयाबीन को, कम से कम हर एक दो दिन में पानी देना पड़ता है, लगाना पड़ता है खेत में स्प्रिंकलर इरिगेशन की मदद से। और ठंडी हवा बरकरार रहने के लिए यहाँ पे हर दिन पानी की आवश्यकता होती है सोयाबीन के पीक को। और यहाँ पे महादेव का थाना है, जय महाकाल। उस साइड में फ्लावर भी है चढ़ाने के लिए, ये देखो टूअर की सुड़ी, ये देखो बहुत बड़ी सुड़ी है और हवाई चलती रहती है, हवाएं बहुत चल रही है। इसके भी साइड हरभरे का लैंड एरिया है, ये देखो बहुत हरभरा चना जो है बहुत जगह आ चुका है और बहुत जगह हार्वेस्टिंग चालू है। ये देखो सामने भी हार्वेस्टिंग चालू है लेकिन आपको दिख नहीं पा रही होगी, ये देखो व्हाट्सअप पैक दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं अपने खेत में, चने के खेत में, ये देखो यहाँ से। और ये देखो आज लाइन नहीं है लेकिन आज हम पानी पीने और आज हम अपना पूरा सेटअप आपको दिखाएंगे। ये देखो ओपन वेल में बहुत सारा पानी है और पानी अभी बढ़ता ही रहता है, ये देखो 2x 4x। देखो अब पानी पिएंगे हम, यहाँ पे मुझे कल लगा था यहाँ से, यहाँ पर मैंने यहाँ ये बोतल रख दी है, घुसेड़ दी है उसके अंदर। तो चलते हैं यहाँ पे हमें पानी, अरे भाई पानी तो पहले से ही यहाँ पे, तो आज पानी पी लेते हैं, थोड़ा शांत पानी है यहाँ पे। हम यह जगह पे आ जाते हैं क्योंकि हवा में हमें शांतिपूर्वक वाटर पीना है, पानी पीना है। देखो इसमें से कचरा निकाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ये देखो पानी, ये कचरा निकल जाए इसके पश्चात हम पानी पिएंगे। कुएँ का पानी बहुत गुनगुना नहीं होता, बहुत चिल्ड वाटर होता है कुएँ का,
तो कुएं का पानी हमें पीना चाहिए क्योंकि ये रॉक से आता है, नेचुरल रॉक से आता है और ये मिनरल रिच पानी होता है, वाटर होता है।